यहाँ पे लगा है, बस यहाँ पे चोट है। और जो चोट मेरी बाइक को लगी यार, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को उसको। कल का एक्सीडेंट का देखो, यहाँ पे कल टूट गया था, यहाँ पे ये देख। और यहाँ तो लागपुर में मिलत नहीं है, वो वाला मंगवा वाला एक अभी में तो पता टर्न हो जाएगा। अबे डायलॉग यार नहीं चालू, वीडियो वीडियो चालू है। तो आपको लाइक करो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो फिलहाल मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, ड्यूटी ऑफ करके 12:30 हो रहे हैं फिलहाल। और फिलहाल मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी दोरवा के पास, बच गया मैं एकदम। मतलब अगर इस टाइप से अगर गिरा होता तो ये पूरा छिल जाता। तो डिवाइडर के थ्रू मैं अगर हाथ रख दिया तो हल्का सा चोट आया यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे लगा है, बस यहाँ पे चोट है। और जो चोट मेरी बाइक को लगी यार, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को उसको। उसका हैंडल थोड़ा सा ऐसा हो गया है और जो वाइजर है सामने का वो थोड़ा सा टूट गया है। बताओ बड़ी प्रॉब्लम थी। और पैर को देखो क्या आ रहे हैं पैर के, यहाँ से घिसा है ऐसे ठीक। तो यहाँ पास से तो इधर टाइट हो गया पूरा, ये मुलायम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टाइट हो गया है, ये फटा हुआ है यहाँ पे घुटना था मेरा ये। कसम से कह रहा हूँ बच गया भाई, बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ रहता, बहुत एकदम खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ रहता। तो गाइस फिलहाल अभी मैं हम लोग 2 बजे सोए थे और अभी 9 बजे उठे। तो गाइस तबीयत भी ठीक नहीं मेरा, और हो सकता है आज भाई आए तो बोल रहा था कि हेलमेट मेरे को चाहिए, वो रहते हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो बोला है कि नया हेलमेट दिलाऊंगा, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसका माइक निकाल लूंगा आज। इसका माइक निकालना है गाइस। ये देखो ये भी निकल गया, तो ऐसे ही दे देंगे हम लोग भाई को हेलमेट, उसको अच्छे से लगा देते हैं। सो गाइस कल का एक्सीडेंट का देखो, यहाँ पे कल टूट गया था यहाँ पे ये देख। और ये जो है पूरा बाइक को ही खिल रहा है, देखना भाई यहाँ पे खरोच लगा है पूरा, टूटा भी है। और ये देखो यहाँ पे ये पूरा हाँ ऐसे गिरा ना, ये देखो यहाँ पे खरोच लगा, ये ऐसा करके गिरा है पूरा एकदम, देखना रेता ही रेता घुस गया है इसमें सीमेंट। और ज़्यादा कुछ तो चोट नहीं आया है, बस ये टूट गया है और लाइट का चला गया है बस। चल तो गाइस फिलहाल हम लोग अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए और जा रहे हैं अंडी, चावल ख़त्म हो गए तो चावल लेने जा रहे हैं। भाई भी साथ में है, भाई भी साथ में है। तो अभी फिलहाल ऑटो में हम लोग और स्टेशन तक जाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं। तो बड़े उमाए मतलब अतुल उमाए निकल चुके हैं अपने जर्नी के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर का जर्नी है गाइस। गदगद ले भर गया है भाई पूरा एकदम, वहाँ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक तुम्हें सीट नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब छूटेगी तब चल जाएंगे, क्योंकि सीट कहीं भी नहीं है। यहाँ से बाहर तक बहुत दिख रहा है आदमी नदमी चारों साइड, और इसमें भी दिख रहा है वही, अपन यहाँ बैठ जाएंगे जाके। घंटा
ना थे बड़े क्या बोल रहे थे क्या बोल रहे क्या बोल रहे अबे डायलॉग याद नहीं चालू वीडियो वीडियो चालू है जिनके लोग को लाइक करें सब्सक्राइब करें फिर से बोल हाँ संभाल लेके पहुँच अरे यहाँ पर बोलता तो दिखता मजा आता थोड़ा देर यार हाँ भाई संभाल लेके पहुँच तो ऐसे दिखती फिर चाचा निकल जा नहीं है जल्दी टीटीआई नहीं के क्या बोल रहा था मैं तो टीटीआई के आ जाने से जो टिकट नहीं कटाया तो अंदर घुस गया था चाचा चाचा अंदर घुस गया है अभी निकलेगा देखना अभी रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ सीधा मारती तो कहा अंडा को देती कहाँ पे पड़ा तो कहाँ पड़ा होता रोम रोम भाइयों सबको किया थे और यहाँ तो लाखों में मिलत नहीं है वो वाला मंगवा वाला एक आदमी में तो पास टर्न हो जाए इतना पियर से कई जन बफर से नहीं कराए सबको किया थे लाखों में मंगवा तो जब आने में गांव वाले पर किया था बगल वाला हाँ हाँ लाल खजाना भी हाँ लाल खजाना वो तो रोजगार क्या बोलते हैं जनियारी इधर ठीक है तो मिलता फिर है ना हाँ ठीक मिलता ना होता था ठीक है मरी माता आगे मरी माता हाँ बे ये दे दे पीछे भाग रहा है अतुल बैठ बैठ वापिस वाले आसपुर भाई फिलहाल हम लोग अंडी पहुंच चुके हैं और मैं चावल भी ले लिया हूं तो मैं और भाई निकलेंगे घर है ना दोस्त ये और ये चावल भी पड़े नीचे देख सकते हो आप इसको लेंगे और निकलेंगे अपने घर के लिए